हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड विद प्रिया में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो रेसिपी है वो जन्माष्टमी स्पेशल है, जिसका नाम है मिल्क पेड़ा। तो आइए देखते हैं मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मिल्क पेड़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और चीनी, स्वाद के अनुसार चीनी लिया है मैंने। कढ़ाई में मैंने दूध रख लिया है, अब दूध को हम उबाल लेंगे। यह हमारा दूध उबल रहा है, देखिए अब ये उबल चुका है। अब इसे हम चलाते हुए ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे हम। अभी तक मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है, अब मैं इसे मीडियम में रख दूंगी और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें दूध को गाढ़ा करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें दूध को पकाना है, क्योंकि हम लगातार नहीं चलाएंगे तो हमारा दूध जल सकता है। इसके लिए हमें लगातार चलाएंगे और कढ़ाई को भी वो पकड़ेगा नहीं अगर लगातार चलाते रहेंगे हम। तो हम इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा दूध पहले से कम हो चुका है और देखिए ये गाढ़ा हो गया है, मलाई जैसे दिखने लगा है। तो अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी को साथ में इसके हम पका लेंगे और फिर इसे अच्छे से इसके अंदर गला लेंगे ताकि ये मावा बन जाए पूरा गल के अच्छे से। तब तक हम लगातार ऐसे चलाते हुए इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। इसे हमें और गाढ़ा करना है, इसका हमें खोआ बनाना है। तो अभी हम लगातार चलाते हुए इसका खोआ बना लेंगे। इस तरीके से हम लगातार चलाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा खोआ बन गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये एक बात ये ध्यान रखना है कि इसको बनाते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा था। अब गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, खोआ को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे। इसको हाथों से ऐसे गोल गोल कर लेंगे। अभी ये थोड़ा गीला है तो बाद में ये ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए गोल बन गया है, इसको हम ऐसे दबा देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। इस पेड़े को बनाने के लिए सिर्फ हमें दो ही सामग्री चाहिए, दूध और चीनी, और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे मिल्क पेड़ा बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।